Hello, dear students. Today my topic is marginal utility. सीमांत तुष्ट गुण. आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे सीमांत तुष्ट गुण के बारे में कि सीमांत तुष्ट गुण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस संबंध में दी हैं. तो पहले तो आप समझेंगे कि सीमांत तुष्ट गुण क्या होता है और उससे संबंधित परिभाषाएं जब आप सीखेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में नॉलेज होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत तुष्ट गुण क्या होता है. प्यारे बच्चों, जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु कि एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उपभोग की गई अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं. जो अंतिम इकाई है उसको सीमांत इकाई कहते हैं. किसी वस्तु की अंतिम या सीमांत इकाई के उपभोग से या उपयोग से जो तुष्ट गुण प्राप्त होता है उसे सीमांत तुष्ट गुण कहते हैं. प्यारे बच्चों, सीमांत तुष्ट गुण क्या है कि जो सीमांत इकाई के उपयोग से जो तुष्ट गुण प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं सीमांत तुष्ट गुण, यानी मार्जिनल यूटिलिटी. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल तुष्ट गुण में होने वाली वृद्धि सीमांत तुष्ट गुण कहलाती है. सीमांत तुष्ट गुण की परिभाषाएं अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दी हैं. तो सबसे पहली परिभाषा हम आपको दे रहे हैं प्रोफेसर बोल्डिंग के शब्दों में. किसी वस्तु की दी गई मात्रा का सीमांत तुष्ट गुण कुल तुष्ट गुण में होने वाली वह वृद्धि है जो उसके उपभोग में एक इकाई को बढ़ाने के परिणाम स्वरूप होती है. ये अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग. बोल्डिंग के शब्दों में बोल्डिंग क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कुल तुष्ट गुण जो है उसमें जो वृद्धि हो रही है वो एक इकाई के बढ़ने से जो वृद्धि हो रही है उसको हम कहेंगे सीमांत तुष्ट गुण. इसी तरह से एक अन्य अर्थशास्त्री हुए हैं चैपमैन. चैपमैन के संबंध में क्या बताना चाह रहे हैं आपको सीमांत तुष्ट गुण के बारे में. चैपमैन के अनुसार किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल तुष्ट गुण में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत तुष्ट गुण कहते हैं. यानी जो अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जो सीमांत तुष्ट गुण संबंधी जो परिभाषाएं दी हैं वो लगभग समान सी लगती हैं मगर सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. आपको इन अर्थशास्त्रियों के जो संबंधी परिभाषाएं जो दी हैं सिद्धांत तुष्ट गुण से तो उनको इमेड कामाज में लिखना है. उसके बाद आए प्रोफेसर लिप्से के विचार. यानी एक लिप्से अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने इस संबंध में परिभाषा दी है सीमांत तुष्ट गुण से संबंधित. वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त तुष्ट गुण सीमांत तुष्ट गुण कहलाता है या उसे सीमांत तुष्ट गुण कहते हैं. अतिरिक्त इकाई, इसमें यहां पर अतिरिक्त का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है. तो प्रोफेसर लिप्से भी यही कह रहे हैं कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त तुष्ट गुण जो है वो क्या कहलाता है, सीमांत तुष्ट गुण. इसी तरह से
एक दूसरे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर सैमुएलसन के शब्दों में। प्रोफेसर सैमुएलसन क्या कहना चाह रहे हैं, सीमांतगुण से तुष्टगुण से संबंधित, सीमांत तुष्टगुण उस अतिरिक्त तुष्टगुण को बतलाता है जो वस्तु की अंतिम इकाई से मिलता है। ये कह रहे हैं सैमुएलसन कि जो अंतिम इकाई से जो तुष्टगुण मिलता है उसको कहते हैं सीमांत तुष्टगुण। इसी तरह से प्रोफेसर आइली के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु के स्टॉक की अंतिम या सीमांत इकाई के तुष्टगुण को उस वस्तु विशेष का सीमांत तुष्टगुण कहते हैं। ये कहना है प्रोफेसर एली का, यानी कि किसी वस्तु के लिए किसी वस्तु के स्टॉक की अंतिम या सीमांत इकाई के तुष्टगुण को उस वस्तु विशेष का सीमांत तुष्टगुण कहते हैं। इसी तरह से एक सूत्र इसका जो दिया गया सीमांत तुष्टगुण कैसे हम निकालेंगे, तो सीमांत तुष्टगुण निकालने का जो सूत्र है, सीमांत तुष्टगुण बराबर वस्तु के कुल तुष्टगुण में परिवर्तन और डिवाइडेड बाय वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। यहाँ पर शॉर्ट में इसका फार्मूला, सीमांत तुष्टगुण का फार्मूला आप लिख लीजिए एम यू इक्वल टू डेल्टा टी यू अपान डेल्टा क्यू। ये तुष्टगुण से संबंधित फार्मूला सीमांत तुष्टगुण से हम निकाल देते हैं। यहां पर एम यू क्या है, यहां पर हम एम यू, जहां एम यू बराबर सीमांत तुष्टगुण मार्जिनल यूटिलिटी, डेल्टा टी क्या है, टी यू टोटल यूटिलिटी डिफरेंस, यानी कि जो वस्तु की कुल तुष्टिगुण में परिवर्तन, वस्तु की कुल तुष्टिगुण में परिवर्तन निकालेगा डेल्टा टी यू। और डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू इसमें क्वांटिटी में परिवर्तन यानी कि मात्रा में परिवर्तन, तो डेल्टा क्यू। तो हम इससे सीमांत तुष्टगुण निकाल सकते हैं अगर हम वस्तु की जो कुल तुष्टगुण परिवर्तन जो हो रहा है और मात्रा में जो परिवर्तन से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये सीमांत तुष्टगुण निकल आएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि सीमांत तुष्टगुण टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद अगला वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। थैंक यू, टेक केयर।